तो रिपोर्ट आपने देखी और इसी बीच केशवदेव मौर्य का बयान सामने आया, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने, सुनवाते हैं। महान दल के मुखिया केशवदेव मौर्य के बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मौर्य जी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। मौर्य जी, आपने कहा कि जोकर, इसको लेकर बड़ी सियासत हो रही है। वो चूंकि मुद्दा समाप्त हो गया, वो हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय ओम प्रकाश जी, वो शब्दों का चयन ठीक नहीं हुआ और उसके लिए खेद प्रकट कर दिया, या उस पर कोई मतलब नहीं। उन्होंने बड़ा दिल करके मुझे माफ़ भी कर दिया, हमारी उनकी बात हो गई। उन्होंने एक बयान जारी किया जी, जोकर जो है मंडली में होता है और उसी पर निगाहें होती हैं, उस पर क्या कहेंगे? करें वो ये कह रहे हैं कि जोकर अगर सबको पसंद आ गया, सब उसी को देखते हैं, तो 22 करोड़ जनता अगर वोट दे देगी तो चुनाव जीत जाएंगे इसी जोकर के आधार पर। ये उनका बड़प्पन है, वो उन्होंने मुझे सम्मान दिया, अगर वो चाहते तो मुझे अपमानित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात को बड़ा किया और उन्होंने बड़प्पन दिखाया आदरणीय ओम प्रकाश जी ने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस बात को लेकर मुद्दा गर्म इसलिए है क्योंकि अनिल राजभर जी कह रहे हैं कि राजभर का जो अपमान है और अखिलेश यादव को इस गठबंधन से हटा देना चाहिए ओम प्रकाश राजभर को, क्योंकि उनको निशाने पर रख के अपमान किया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित पिछड़ों का हक लूटा जाता है, तब अनिल राजभर जी को नहीं समझ में आता कि अन्याय है। तो केशवदेव मौर्य का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी खुश ना हो, ये आपस का हंसी मजाक था, मुंह से निकल गया, कई बार शब्द फिसल जाते हैं, कई बार जुबान से गलत चीज़ें निकल आती हैं, तो ये एक आपस का हंसी मजाक था जिसको सुलझा लिया गया और बात भी हो गई है। इस तरह आगे भविष्य में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, चूँकि बयान ऐसे राजनीतिक जब भी आते हैं तो कोई ना कोई विवाद पैदा हो ही जाता है और भारतीय जनता पार्टी इस विवाद को, इनके मौर्य जी के बयान को भुनाने में, कैश कराने में जुटी है। कोशिश ये कर रही है कि राजभर समाज जितना है वो इनके बयान से नाराज़ होकर खुद को गठबंधन से अलग कर ले, लेकिन केशवदेव मौर्य का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गठबंधन मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी ताकत से एक साथ हो रहा है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, बीपी गंगाल।